आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस लाइन पहुंचा, जहां पर उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा को मास्कों का वितरण किया, जिसके बाद एसएसपी द्वारा पुलिस लाइन में अन्य बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्कों का वितरण किया गया तथा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आज हर जगह मास्क का चेकिंग करवाया जा रहा है और जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए हमारे व्यापार मंडल वाले बहुत सहयोग कर रहे हैं। उन लोगों ने खुद ही मास्क बनवा के वगैरह लेके आए हैं, तो बाकी अन्य जो लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। और सभी जनता से मेरा यही अपील है कि कोरोना बढ़ रहा है, इससे बचने का सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। 2 गज दूरी और मास्क को कंपलसरी पहनना चाहिए और भीड़ भाड़ एरिया से बचना चाहिए। और सभी व्यापार मंडलों से भी अनुरोध किया गया है कि व्यापारियों को इसके सख्त हिदायत दे दें कि बिना मास्क का कोई सामान वामान ना बेचे और कस्टमर्स को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित। बृहस्पतिवार को सहारनपुर के कोट रोड पर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने पैदल गश्त कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम किया, जिसके बाद उन्होंने नगर निगम द्वारा विभिन्न वैक्सीन टीकाकरण केंद्रों पर विशेष व्यवस्था कर पार्षदों का टीकाकरण भी कराया। पार्षदों ने नगर निगम की प्रशंसा करते हुए नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी का आभार जताया। इस दौरान नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि सभी पार्षद फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इनका स्वस्थ रहना जनहित में जरूरी है। सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंबाला रोड सहारनपुर हाईवे सरसावा बाईपास तिराहे के पास से 2 अभियुक्त अजय उर्फ बंटी पुत्र मांगेराम, सुमित कुमार पुत्र इसम सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 28 पेटी देसी शराब हरियाणा मार्का, 1.5 किलो यूरिया, 10 लीटर अपमिश्रित शराब, 1 बुलेरो पिकअप भी बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। सहारनपुर यूनिट सैफी संघर्ष समिति की ओर से 47वें सैफी डे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन रामजीवन नगर स्थित एक सभागार में किया गया, जिसमें आए हुए सभी अतिथियों ने सैफी डे पर अपने अपने विचार रखे। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक असलम सैफी ने आए हुए सभी अतिथियों व अन्य लोगों का आभार व्यक्त किया। आज हमारा 47वां स्थापना दिवस है और आज हम इसको बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और इस मौके पर हमने 4 प्रस्ताव पारित किए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ाई का रखा है। हमारी बिरादरी गांवों के अंदर बहुत पिछड़ी हुई है और हम डोर टू डोर जाएंगे, हमारा पूरा संगठन मिलके इस काम को करेगा। जहाँ पे भी जो बच्चे पढ़ नहीं रहे उन बच्चों से, उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करेंगे, सिफारिश करेंगे और उनको कहेंगे कि अपने बच्चों को दोनों जहाँ की तालीम दो, दुनियावी तालीम भी दो और दीनी तालीम भी दो, क्योंकि उन्हें दोनों जहाँ में रहना है।
सहारनपुर में बृहस्पतिवार को कोरोना के 128 पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में कोरोना का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शुक्रवार की रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए हैं। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ में सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।